अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज हम बनाएंगे आलू पकौड़े। और आलू इसमें कर रही हूँ मैं कद्दूकश, करके दिखाती हूँ। आसान जिंदगी कितने ही अच्छे होते हैं कि अभी एक ही है ना। इस तरह बारीक आलू हमें चाहिए, बहुत बारीक नहीं चाहिए। तब थोड़ा सा मैंने ये वाली प्लेट लगाई है कि मुझे थोड़े से मोटे आलू चाहिए। ये मैंने ना दो प्याज भी इसमें चापर कर लिए थे ना, चापर में दो प्याज भी कर लिए थे। तो दो नहीं, मतलब दूसरे मैंने इसमें डाले हैं कि सिर्फ हमें धोने का उसमें होता है। जितनी देर हम प्याज काटते हैं, आप ये देखें, ये प्याज भी उसी तरह ही हो गए और आलू भी। आज मैंने प्याज और आलू के इस तरह बनाऊंगी पकौड़े। पकौड़े ही जो खाने हैं डिफरेंट, वो कहते हैं कान उधरू पकड़ो उधरू पकड़ो, गल एक ही है। पकौड़े ही खाने हैं हमने, जो भी कर लें वो हमने खाने ही खाने हैं। अब इसका मसाला तैयार कर दिया। ये दही पुलियों में डालूंगी, थोड़ा सा प्याज इसलिए रखा था, ये उसमें डालते हैं। मतलब ये है कि अब थोड़ी सी मुश्किल होती है, किचन छोटे हैं नहीं तो बाहर पड़ा हो तो उसी वक्त लगाओ फटोफट, प्याज भी कर लो आलू भी कर लो टमाटर शमाटर, आपको मतलब सहूलत हो जाएगी, आधा टाइम बच जाएगा आपका, जितना आप हाथ से काटती हैं चीज़ें सारा कुछ है। तो ये एक दो दफ़ा यूज़ करके देखें, इंशाल्लाह सही होगा। और रमज़ान कैसा जा रहा है आपका, रोज़े शोज़े कैसे जा रहे हैं, इबादतें कैसी जा रही हैं, नमाज़ें कुरान से कोशिश करें कि यही 10 दिन है इनमें कुरान ज़्यादा पढ़ा जाए। नई पुलकियाँ दही भल्ले कुछ ना कुछ, किसी का कुछ नाम है किसी का कुछ है, दही पुलकियाँ कहते हैं। अभी ये बनाएंगे, इसको तैयार करके फ्रिज में रखते हैं। तो मीठी दही डालती हूँ मैं इसमें। आज हम बनाएंगे क्रीम चाट। उसके लिए क्रीम का होना बहुत ज़रूरी है, वो लेनी चाहिए कि दो हों एक हों पैकेट क्रीम चाट और चाक। तो कांगड़ा आंटी जान के तमाशे करती हैं। मेयोनीज डालेंगे साथ, क्रीम डालेंगे इसमें, मेयोनीज भी डलती है तो इतनी कैलोरीज। चलो आज फिर तुम्हारी छुट्टी, नहीं समोसा प्लेट में कोई कैलरीज नहीं, समोसा प्लेट जो है वो कोई कैलरीज नहीं। तो आज क्रीम चाट बनाएंगे, तो हमारे साथ रहिए। हल्की फुल्की आज एक दो दिन हैवी होती है, एक दो दिन हल्की होती है, इसी तरह मेंटेन करते हैं ना। फिर बहुत ज़्यादा मोटापा ये ना हो, ईद के कपड़े ही ना आए तो फिर क्या करेंगे, वो किधर जाएंगे जो हमने सिलाए हैं। इसलिए अभी क्रीम को करते हैं, तो फिर उसके बाद क्रीम मिक्स करते हैं, उसमें फिर दिखाते हैं आपको। क्रीम को हमने फेंट लिया है, थिक कर लिया है और बना लिया है। इस तरह अब इसमें मिक्स करते हैं, पहले थोड़ी सी डालते हैं इसमें, मिक्स करते हैं, जैसे आप करते हैं वैसे ही करेंगे। ये तो ऐसे, फिर मैंने कहा कि ज़रा चलो मेरी जो यंग बच्चियाँ उनको समझ आ जाएगी आंटी क्या कह रही है, जो मियाँ उनको तो पता होता है ना, तो इसलिए मैं ये छोटी छोटी बातें अपनी बेटियों के लिए बताती हूँ कि जो मेरी बेटियाँ वीडियो देखती हैं मुझे फॉलो करती हैं, ये उनके लिए होता है। कि ज़ाहिर है बच्चे माओ से तो इतनी देर वो किचन में आते हैं या कुछ है, वीडियो तो देखते ही हैं ना, इसलिए जो है ना फिर वीडियो देख के तो वो ज़्यादा बच्चे चीज़ सीखते हैं। और सीखने का अमल तो सारी उम्र ही जारी रहते हैं, हम एक दूसरे से सीखते ही रहते हैं जो भी अच्छी चीज़ हो। मैं तो मुझे तो कोई इसमें नहीं है, मैं जिससे भी कोई अच्छी आदत है अच्छी चीज़ देखती हूँ, अच्छी अच्छा किसी के घर खाना खाया है कुछ है, पूछूँगी तारीफ करती हूँ कि भाई बड़ा अच्छा बनाया, कैसे बनाया था ये चीज़ें ऐसे ना बनाई हुई है हमने, मेरा नहीं ख्याल किन चीज़ों का होना चाहिए। अब इसमें हमने इसको हम दूसरे बाउल में करेंगे, इसी में ही रहे कि ये करते हैं। और ऊपर डालेंगे हम चॉकलेट, सही आज हमने रोज़े की मेहनत पूरी करनी है। इसे गर्म कर लूँ थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा एक बाउल में रख के माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, पूरी बोतल नहीं रखनी, बाउल में रख के करेंगे। फिर ये हमने ना 10 सेकंड गर्म किया है, इसको निकालेंगे और चम्मच से ज़रा थोड़ा सा ना इसको ऐसे मिक्स करेंगे, नहीं तो अगर इकट्ठा ही हमने रख दिया तो वो बहुत थिक सी हो जाएगी। अब इसको दोबारा फिर रखते हैं माइक्रोवेव में। जो चॉकलेट हमने डालनी होती है ना, वो चॉकलेट ये वाली होती है और ये है कि नॉर्मल चॉकलेट जो होती है वो, या जो पीस है वो नहीं, मैंने कभी मैश करके डाले।
इस तरह ही हम तो यही डालते हैं। तो इसको एकदम इकट्ठे रख के नहीं था, एक बार दब नहीं देना इकट्ठा 3 मिनट तक, चलो फिर वो लोहे की बन जाएगी। तो इस तरह फिर ये इसको करके, वो जो बीच में मेरे ना वो चुड़ैल आती है ना, तो अब वो ऐसी पंजाबी बोलती है ये जो है ना आप फिर करिए, तो अब एक दफ़ा फिर करेंगे ये। अब चलें ठीक है, होगी। अभी हम ये क्रीम शरीम इस पे डालेंगे, क्रीम दूसरे बाउल में हमने इसको शिफ्ट कर दिया इस तरह इस तरह इस तरह। फूल बूटे जो कुछ आता हो बनाना कढ़ाना, कढ़ाई करते हुए जो करते थे ना पहले दौर में अमियाँ, अब इस पे सारे फूल पूरे करने हैं हमने। इस तरह देखें ना लुक अच्छी आ जाती है, ये बड़ा टेस्टी होता है। कभी कभी ना इस तरह भी मैं तो वैसे भी रमज़ान के अलावा भी बनाती हूँ, कि मेरी फैमिली को तो ये बड़ा पसंद है, मेरे बच्चों को ख़ास तौर पे जो है ना ये बड़ा पसंद है, तो ये सारे बच्चों को पसंद होता है। यहाँ पर पकौड़े चले जा रहे हैं, ये समोसे, ये रोल हैं, ये माहौल हैं, ये बेसन है, ये ब्रेड क्रम्स हैं। अच्छा ये ब्रेड क्रम्स, ठीक है, बेसन बेसन है। अच्छा अच्छा ये भी बेसन है। हाँ पकौड़े बनाए जा रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, तो उधर जाने से भी और दूध बनेगा, तो इधर पानी की बोतल पकड़ के खड़े हैं नीचे से पानी लेके आओ तो सांस चढ़ जाता है। हमने भी उसको ही लेना है क्लोज, जितना लोग रोला डाल लें जिस चीज़ पे, क्लोज वही होता है जो दिल में हो बात। अच्छा जी, आज 11वीं अफ्तारी तैयार हो गई है, तो जो है ना अल्लाह पाक इस अशरे की भी हमारे पे रहमत रखे, फजल रखे, करम रखे, और अपना करम रखे तो हम सारे रोज़े भी रखें और बातें भी करें, नमाज भी पढ़ें, कुरान भी पढ़ें। तो जैसा पहला अशरा गुजरा है आगे भी अल्लाह अच्छे गुजारे और अमन सुकून सलामती दे। अल्लाह पाक आप सब पे भी अपनी रहमत का फजल का साया रखे, करम का। तो आज जो है ना अफ्तारी तैयार हो गई है, आज हमने बनाई थी ये फ्रूट ट्रैफल बनाया था, जो बनाया ना चॉकलेट वाला, ये वाला फ्रूट ट्रैफल था। तो उसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, बेल आइकन को दबाया करें, और फ्रेंड में फैमिली में शेयर किया करें। और लाइक का जो है ना ये थंब, ये ऐसे करके वाला नहीं, ऐसे वाला देना है, क्योंकि लोग आप देखते हो लेकिन लाइक का थंब नहीं करते, ये मैंने सोचा शायद भूल जाते हो, इतने मगन हो जाते हो मेरे वीडियो में कि वो लाइक करना भूल ही जाते हो। तो इसलिए मेरी वीडियो को लाइक किया करो आंटी को, और अपनी दुआओं में हमें याद रखें, और उसके साथ ही खुदा हाफिज़।